सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोवर है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे। देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है, और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई से अपनी शुभकामनाएं। 5 संभाग में करने वाला समय है और 4 संभाग अभी तक हो गए, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और बस्तर, अब आज सरगुजा जा रहे हैं, जो युवाओं से भेंट मुलाकात होगी। वहाँ के लोग भी बेसब इसी इंतजार कर रहे हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ जितने जल्दी जाकर उसे मिलूँ, क्योंकि युवाओं से मिलने में बड़ी खुशी मिलती है। ऊर्जावान है और छत्तीसगढ़ के बारे में क्या सपना देखते हैं, उसकी बात। मैं देश के समस्त युवाओं को, साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, साथ साथ धन्यवाद करता हूं उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, आज देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए, और देश एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। ये जब ही होता है कि अच्छा नेतृत्व मिला होता है। मोदी जी जैसा नेतृत्व है जो कि विकास को की धारा के अंदर शीर्ष स्थान पर भारत को ले आने का काम कर रहे हैं, और जिस प्रकार से पिछली बार हम थोड़ा फेल हो गए थे, जिस पर सैनिक को उनके हौसला अफजाई की उन्हें साइंटिस्टों की, और मन में पीड़ा भी थी उनके, आज मुझे लग रहा है पूरा देश इस चीज़ को देखने के लिए रुका है। हमारी सबकी शुभकामनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, देश की तरक्की में ही व्यक्ति की तरक्की है। ये इस समय अल्फाजबाजी करना, बोतलेबाजी करना, किसको चोरी की, किसने चोरी की, और डकैत तो तुम्हारे घर के अंदर ही होगा, कोई होगा जो छूट के गया वहाँ पर मिला। आखिर तुम्हारी अपनी कमजोरियों को देखना चाहिए ना, आपको अपनी कमजोरी देखनी चाहिए कि चोरी कहाँ से हुई, कैसे हुई, क्या कारण रहे हैं उसको। ये तो चोरी हुई है, तुमने तो पूरा पूरा गोदाम बेच दिया जो आपके पास चल रहा था। आपने तो हमेशा मौत के राजनीति करने का काम किया है, और जहां मौत नहीं हो रही वहां आपकी राजनीति नहीं हो रही, ना सरकार में आ पा रहे। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाखों लोगों का कत्लेआम किया था, तब जाके सरकार में आए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी से लेके अनेकों मणिपुर चारों तरफ हजारों लोगों का कत्लेआम करा के सत्ता में रही। राजीव गांधी, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती दहलती है, आप तो उस मौके का इंतजार कर रहे हैं। आप कोई जनता के आशीर्वाद से बनकर नहीं आए, इसलिए मान के चलो कि जनता की सरकार है, जनता के हाथ में है, और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत तरक्की कर रहा है, और हर राज्य की सरकार भी मोदी जी के साथ जुड़ना चाहती है।